भाजपा की सरकार हमारे बीच में काम कर रही है। हम सभी साथियों ने भाजपा सरकार का भी काम देखा है और कांग्रेस पार्टी का भी काम देखा है। इससे पहले भी आप विधायक रहे हैं, आपने उनका भी काम देखा है और भाई अकरम खान से भी काम देखा है। आज हम सभी साथी, आप सभी साथियों से ये अनुरोध करने आए हैं कि आने वाले चुनाव में 1 तारीख को भारी बहुमत से भाई अकरम खान जी को विजयी बनाना है। आप विजयी बनाओ, विधायक बनाकर भेजो, मंत्री बनकर अपने आप आ जाएंगे। साथियों, अभी जवाब देने का टाइम है। भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियां किसी भी वर्ग के लिए ठीक नहीं है। हमारा किसान परेशान है, हमारा नौजवान परेशान है, हमारा मजदूर परेशान है। इस सरकार ने पूरे 10 साल किसी की बात नहीं सुनी है, हर बात को अनसुना कर दिया है। तो अब हमारे पास वक्त है, 1 तारीख को भारी बहुमत से भाई अकरम खान जी को विजय बनाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक विश्वास और उम्मीद मुझे आपसे, संयम से आज इस प्रोग्राम को विधिवत रूप से कामयाब करने में आप सहयोग दोगे, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जो साथी समक्ष खड़े हुए हैं मंच के, मैं गुजारिश करूं थोड़ा थोड़ा पीछे को सरते जाए ताकि जो साथी और भी साथी मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जन संदेश यात्रा के प्रदेश कोऑर्डिनेटर अजीज राय सिंह जी गुजर तशरीफ लाए हुए, उनसे भी गुजारिश वो भी मंच पर आए और 2 मिनट के लिए आपसे रूबरू हो गए, वो भी आपको संदेश दें। राज सिंह जी गुजर। आज की इस ऐतिहासिक विशाल जनसभा जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जो संदेश लेकर हमारी नेता, हम सब की नेता छत्तीस बिरादरी के भाईचारे के प्रति अवैध तरीके से जिन्होंने समाज के अंदर अपनी संपत्ति को 2000
विधानसभा से निबंध हुए हैं। सोचना चाहिए उन लोगों को जिन लोग तथ्यों का ज्ञान नहीं है, जिन मुआवड़ों का नहीं पता, जिन्हें केवल अपने भ्रष्टाचार को बढ़ाने का पता है। बहुत बातें हैं साथियों, हमारा केवल एक प्रयास है कांग्रेस की विचारधारा को लेकर, राहुल गांधी जी की विचारधारा को लेकर, प्रेम की भावना को लेकर, आपसे संघर्ष को लेकर, हम जो हमारी जो मुहिम चली है कि हमें उस धरातल पर जाकर सच्चाई को समझते हुए, ज्ञान को देखते हुए आपकी लड़ाई लड़नी है। आज हमारी नेता आदरणीय महन कुमारी सहजल जी आपके वंचित राजनीतिक अधिकार जो लगातार कई वर्षों से आपको अधिकार नहीं दिए गए हैं, आपका संरक्षण नहीं किया गया, आपको राजनीतिक रूप से वंचित रखा गया है, उन सबकी लड़ाई लड़ रही है। एक सशक्त प्रहरी आवाज बनकर, एक मजबूत आवाज बनकर हम सबकी बात को लेकर आपके बीच में है। उन्हीं का संदेश है, उन्हीं का एक विश्वनिष्ठता संकल्प है कि आओ हम सब मिलकर 1 अक्टूबर तक, आगामी 1 अक्टूबर को आप उस मतदान के महत्व के आधार पर जो हमारे बाबा भीम साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है कि हमें सत्ता की परवाह नहीं करनी है, उन तानाशाह की परवाह नहीं करनी है, उन लोगों की परवाह नहीं करनी है जो समाज में आपको दबाना चाहते हैं। इस प्रकार हम सबको मिलकर काम करना है। हमारा ध्येय बनता है कि कांग्रेस की विचारधारा में हमारे नेता आदरणीय राहुल जी खड़गे जी और हमारी बहन यहाँ पर शीघ्र ही आपके बीच में पहुंचेगा और कांग्रेस का झंडा लेकर, कांग्रेस का चुनाव निशान लेकर आपके जो भावनाएं हैं, जो आपकी सोच है वो आपकी पूरी होगी। आप समझेंगे कि चंडीगढ़ के अंदर भी आपकी सरकार होगी। एक दारा लोकसभा चुनाव में दिया गया था कि अब की बार जगाधरी में 1 लाख पार, अब की बार 1 लाख पार। मेरी एक नई लाइन है कि अब की बार चंडीगढ़ में आपकी बहन की सरकार और वहीं से नए नए रास्ते खुलेंगे आपके अधिकारों की रक्षा होगी। एक बार फिर मैं चौधरी अकरम खान जी का, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आपके बीच मुझे अपनी बात रखने का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राय सिंह जी, हमारे बीच हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम की खूबसूरती को और ऊंचा ले जाने के लिए तशरीफ लाए राजेश चाड़ीवाल जी, PCC डेलीगेट, उनका बहुत बहुत आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी चंद्रमोहन जी बिश्नोई, चौधरी अकरम खान जी हमारे बड़े भाई जो आप सबके चहेते हैं, मैं आप सबकी तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से आप सभी को और चौधरी अकरम खान जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज छछरौली की अनाज मंडी को हम सब कार्यकर्ताओं में आपको बुलाकर और आप सभी के बीच में पूरे हरियाणा के सीने में गाँव को बुलाकर एक मिसाल कायम की है कि आज इतना जो जनसमूह है वो आज देखते ही बनता है कि आज हरियाणा के अंदर हमारी जो आदरणीय नेता है कुमारी शैलजा जी, उनके नेतृत्व में आज आप लोग कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आप सभी बधाई के पात्र हो कि एक छोटे से बुलावे के ऊपर ये जो कार्यक्रम बना है उसमें आप लोगों ने इतनी ज़्यादा यहाँ पर गैदरिंग दिखा दी, तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये जो हमारी सीट है छछरौली जगाधरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये आप लोग कांग्रेस की झोली में डालने वाले हो और हमारे जो बड़े भाई हैं उनका मान सम्मान यहाँ पर बढ़ाने वाले हो। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप सब हाथ खड़ा करके हमारी बहन शैलजा चौधरी अकरम खान जी का हाथ मजबूत करने के लिए आज यहाँ पर प्रण लेकर जाए कि हम कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताकर विधानसभा के अंदर भेजेंगे। तो आप अपने हाथ खड़े करें कृपया, धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं थोड़ा सा परिचय आपको दूं कि मैं आड़ती का बेटा भी हूं और एक किसान का बेटा भी हूं। मेरी यहाँ पे अनाज मंडी की आड़त की दुकान है, तेलंगराज जी मेरे दादाजी हुआ करते थे, तो मेरे पिताजी ने चौधरी असलम खान जी से काम के साथ काम किया, मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे और हम लोगों ने मिलकर एक टीम बिल्डअप करी कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में। आज मुझे स्टेट का सोशल मीडिया इंचार्ज बनाया उन्होंने, उसके अलावा मुझे PCC डेलीगेट बनाया और आज आपके बीच में मैं यहाँ पर इस मंच को संबोधन कर रहा हूँ। तो मेरे लिए भी ये बड़ी फख्र की बात है कि आज इस धरती के ऊपर खड़ा होकर मुझे अपने आड़ती भाई की बात भी सुननी है और अपने किसान भाइयों की बात भी सुननी है और उसे अपने जो हाईकमान है वहाँ पर बात पहुँचानी है। आपके बड़े मजबूत साथी हैं हमारे बड़े भाई चौधरी अकरम खान जी, उनके छोटे भाई नसीम जी,
शमीम जी, उनके बेटे हरेन जी, तो सभी लोग मिलकर एक टीम की तरह हम लोग आपकी बात को पुरजोर तरीके से कुमारी संजय जी के समक्ष हमेशा से उठाते हैं और आगे भविष्य में भी उठाएंगे। और यहाँ मंच पर बहुत सारे सीनियर साथी हमारे करनाल से भी हैं और हमारे जगादरी राय सिंह जी, राकेश चमन जी, सारा सिस्टम संभाल रहे हैं मीडिया का भी। तो पत्रकार बंधु हमारे बेटे हैं बड़े भाई, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप सब लोगों को और भी लोगों को सुनना है, पर आप सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज आपने यहाँ पर आकर इस मंच की शोभा को बढ़ाया है और कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत किया है। तो मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ कि छछरौली की धरती पर आपने इतिहास रचा है और इतिहास रचने जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय कुमारी शैलजा, जय राहुल गांधी, जय श्री खड़गे। धन्यवाद। जय हिंद। आपका जोश देखकर पता चल रहा है छछरौली और आसपास के आपके लोगों ने जो जोश यहां दिखाया है, पता चल रहा है आपका और भाई अकरम खान की कितनी मेहनत है। छछरौली के चारों तरफ जान ही जान, जनता ही जनता, ये आपका प्यार है भाई अकरम खान के प्रति, बहन कुमारी शैलजा के प्रति। तो साथियों जिन्होंने